तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं बिजी था। और भाई, आज का मौसम चेक करो यार, इतना बढ़िया मौसम बना हुआ है। तो गाइस, आज है, मतलब कल था वो नाग पंचमी था, तो कल से मेला लग चुका था हम लोग के इलाके में। तो मैं बता देता हूँ कहाँ लगा है। शंकरधार लगा है, नैनी में शंकरधार। इलाहाबाद में जब आप आओगे तो इलाहाबाद के ब्रिज से, नैनी ब्रिज से आप आगे सीधा आओगे तो सीधे सीधे में आपको मिल जाएगा। तो भाई, लगा हुआ है मेला, वो भी गुड़िया का। इलाहाबाद में भी लगा हुआ है, नैनी में भी लगा हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि नैनी वाला मेला आपको दिखा दूँ एक बार, फिर इलाहाबाद वाला मेला, जब इलाहाबाद जाऊँगा तो इलाहाबाद का मेला दिखा दूँगा। तो शाम को मैं आपको मेला दिखाता हूँ यहाँ का। और भाई, ये देखो कितने बड़े बड़े घास हो गए यार, मतलब देखो पूरे, कल बारिश हुई है ना असल में, पूरे घास एकदम बड़े बड़े हो गए हैं। तो भाई चलते हैं, अभी मैं आया था दर्शन करने भगवान जी के, तो आप भी दर्शन कर लो यार, हनुमान जी के दर्शन कर लो भाई। तो भाई, आज था मंगलवार तो मैं सोचा चलो दर्शन कर लेता हूँ। तो अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है अभी भी, तो अभी चलते हैं भाई। और भाई, यहाँ की घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ना कि मतलब अब तो डर लगने लगा है कि कहीं काट ना ले सांप ओप निकल के। चलते हैं भाई, अभी जाना है मुझे दुकान, जैसा कि आपको पिछले वाले व्लॉग में पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलते हैं यार। और कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था, मेरे पिछले वाले व्लॉग में कि भाई कोई ना, मैं तेरे साथ हूँ। तो थैंक भाई, आप लोग मेरे साथ हो, बस यही चाहिए मुझे, सपोर्ट करते रहो, बस सपोर्ट ही चाहिए आप लोगों का और तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो थैंक भाई। एक छोटे यूट्यूबर को ना यार कोई सपोर्ट नहीं करता है जल्दी, लेकिन ये है कि मेहनत अगर करता रहे वो तो हर कोई सपोर्ट करेगा। तो बस वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो और अपने छोटे भाई को यार सब्सक्राइब करो, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो बस चलते हैं भाई, थैंक्स टू ऑल कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और एक और भैया है जो उस गली में रहते हैं, मेरे गली के आगे वाली गली में रहते हैं, अनंत नाम है उनका, नाम शायद नहीं पता, जो कि अभी थंडरबर्ड बुलेट से जा रहे थे। तो थैंक्स भैया, आप मेरे वीडियो को देखते हो, कमेंट करते हो, तो थैंक्स भैया। अभी दोपहर का वक्त हो रहा है और भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस गाड़ी पे यार, इस गाड़ी पे मैंने पैसा भी ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, इन्वेस्ट कर दिया यार, क्या बताएं, इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम अभी भी नहीं सुधरी। और किसने बोला था, ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा जी, मेरी गलती है, पहले से खराब हो गई है। अब मेरा मन कर रहा है इसको कबाड़ बेच दूं। अब क्या ही बोलूं मैं यार, क्या ही बोलूं मैं, एकदम गुस्सा लगने लगता है जब कोई आपका काम ना हो तो। यार क्या करूं इस गाड़ी का, यार क्या करूं। कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई कबाड़ फेंक दो, ये है वो है, ऐसी गाड़ी लिए ही हो क्या। ऐसे लोगों का मैं आंसर भी नहीं कर सकता हूँ ना, मैं क्या किसको आंसर करूँ, वो ऐसी गाड़ी है ही, ये टेकता उसको धक्का मार के अकेले स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या करूँ उसको मैं। इस बाइक लेके गया था और आगे और भी काम था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, किसी तरह मैंने धक्का मार के 5 बार में स्टार्ट किया इस गाड़ी को। और फिर मैं सोचा अब कोई काम नहीं करूँगा, पहले उसको घर लेके जाऊँगा, नहीं पैदल लाने में हालत ख़राब हो जाएगी। लाया उसको घर, छोड़ा हूँ। और ये आज पता चला यार कि जो मेला लगा था गुड़िया का वो भी ख़त्म हो गया, मतलब आज सब पोपट हो रहा है। क्या ही सोचा था क्या हो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कोई ना। अब जन्माष्टमी आने वाली है भाई, उसके लिए बहुत स्पेशल तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो ज़रूर देखना व्लॉग को और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो अभी तो चल रहा हूँ मैं दुकान अपने, चलते हैं पहले भाई। बाइक देखो एकदम, क्या ही बोलें इस बाइक को भाई, क्या ही बोलें। भाई इसका कार्बोरेटर चेंज करवाना पड़ेगा लग रहा है। तो भाई अभी देख सकते हो शाम का वक्त हो रहा है, भाई बारिश हो रही है। और भाई मैं बैंक के पास अभी खड़ा हूँ, अभी एटीएम से पैसा निकालने आया था। तो भाई पता नहीं क्या एटीएम में पैसा ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मेरी स्कूटी काट ली गई भाई। ये स्कूटी, मैं दूसरे की स्कूटी में चला जा रहा था, बताओ। चलो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, चेक करने में क्या ही जाता, भाई पानी बरस रहा है। तो गाइस देख सकते हो R15, वी आर इन द R15 बेबी। गाइस देख सकते हो R15 कौन चला रहा है, गाड़ी चुरा रहे हम लोग, गाड़ी चुरा के गाड़ी चला रहे हैं ना, ये फ्रेंड की है। और ये देखो डांस चल रहा है भाई बारिश में ही। ये
सिस्टम। गाइस हम लोग मॉल आए हुए हैं टी शर्ट लेने, और ये देखो कौन मिला। मैं सोचा आज लोग इनके साथ नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ घर, आज मैं जिम में नहीं आने वाला था, वो जा रहा है, ओवर साइज टी शर्ट ढूंढ रहे हैं, उससे पूछना पड़ेगा वो बताएगा। पे तो शीशा पता नहीं कहाँ है। अच्छा लग रहा है, कोई और कलर चूज करिए ना। अब नहीं है, एक ही है, एक ही है। अच्छा एक ही वाइट में था, अच्छा लग रहा है वैसे, सीरियसली अच्छा लग रहा है, हाँ ले सकते हैं। तो गाइस ये बोल रहे थे बड़ा सस्ती सस्ती है, मिल गई 400 की। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मिल गई 400 किलो, लेकिन इसका कपड़ा भी इससे पहले बोल रहे 200 रुपए की बड़ी सस्ती, लेकिन इसका कपड़ा भी अच्छा है, देखो मोटा है, लेकिन ये व्हाइट में है, हाँ बहुत गंदा भी करते हैं वैसे, व्हाइट गंदी कलर गंदी है, धुलेंगे तो 400 किलो कपड़ा ले लिया है। देखिए थोड़ा चेक करें, चेक करें।